हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस टाइप के लिरिक्स वीडियो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं, जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है, यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करना है, यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो लेयर सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट पर टैप करके ऑडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से वीडियो को डिलीट कर देना है, यहाँ से भी ऑडियो यूज कर सकते हैं। बैक आना है, प्लस पर टैप करके मीडिया में टैप करना है। यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं। इस टाइप की फ़ोटो के लिए बैक आना है, पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करना है। सर्च बार पे टैप करके इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है कार्टून कपल फोटोज। जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। फोटो पे टैप करना है, थ्री डॉट पे टैप करके यहाँ से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड देख सकते हैं, अदर फोटो भी यूज कर सकते हैं। बैक आना है, फोटो लेयर सेलेक्ट करके लास्ट में आना है, इस पर टैप करना है। फोटो सेलेक्ट करके यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। बैक आना है, फोटो में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है। इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट सेलेक्ट करके नीचे की साइड आना है। यहाँ से इस इफेक्ट को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, यहाँ से प्लस 30 कर देना है। बैक आना है, एक और इफेक्ट ऐड करना है। ब्लर पर टैप करके यहाँ से इसको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, 1.0 रखना है। बैक आना है, एक और लास्ट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, इस पर टैप करना है। नीचे की साइड आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर टैप करके यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, एंगल को 45 रखना है, इस पर टैप करके 0.30 कर देना है। मैग्नीट्यूड को 25 रखना है। बैक आना है, सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ पे सॉन्ग लिरिक्स लिख सकते हैं। यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट करके इस पर टैप करना है, सेंटर में कर देना है। यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करना है। देखो गाइस, जो भी फॉन्ट फोटो यूज़ किए जाएंगे इस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा देना है, क्लिक कर देना है। लेयर सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर देना है। बैक आना है, लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने हैं, लेयर सेलेक्ट करना है। इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट सेलेक्ट करके नीचे की साइड आना है। यहाँ से लॉन्ग शैडो इफेक्ट सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। साइज सेलेक्ट करना है, 0.010 करके टिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करना है, अल्फा पर टैप करके 40 रखना है। बैक आना है, एक और इफेक्ट ऐड करना है, लास्ट में आना है। टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, रेंज सेलेक्ट करके स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है। एंड में आना है, एंड में प्लस देना है। एंड में 100 रखना है, टिक कर देना है। नीचे की साइड आना है, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है। लेयर की साइड में कंपोनेंट को सिलेक्ट करके रखना है। अगेन नीचे की साइड आना है, लास्ट में आपको अल्फा का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करके -1.0 रखना है। बैक आना है, एक और लास्ट इफेक्ट ऐड करना है। नीचे की साइड आना है, यहाँ से इस पर टैप करके इस इफेक्ट को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, यहाँ से इसे 0 कर देना है। एंड में आना है, एंड में प्लस देना है, एंड से थोड़ा पहले प्लस देना है। एंड में आना है, एंड में 1.0 रखना है।
साइज सेलेक्ट करना है 115 कर देना है। नीचे की साइट है ना, यहाँ से एक्स सेलेक्ट करके रखना है, 1.10 करके टिक कर देना है। वाई सेलेक्ट करना है, 0.01 रखना है। लास्ट में आना है, सीड सेलेक्ट करना है, एंड में आना है, एंड में प्लस देना है, एंड से थोड़ा पहले प्लस देना है। सेकंड प्लस को 0.38 रखना है। एंड में आना है, एंड में 0.01 रखना है। बैक आना है। लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है, टाइमर पर टैप करना है, यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट लिरिक्स लिखने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है, प्लस पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करके होल्ड करना है, आगे की साइड कर देना है लिरिक्स के अकॉर्डिंग। कॉपी लेयर सेलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ पर सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, टिक कर देना है। लिरिक्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है, लेयर पर टैप करके यहाँ से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है।